नमस्कार दोस्तों, आज की टेक न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस, बहुत सारे लोगों की कभी कभी ऐसी परेशानी हो जाती है कि आपके नोट चल जाते हैं 500, 1000 या 2000 के, 1000 के तो नहीं है फिलहाल, 2000 के और 500 के भी, मतलब नए वाले ही चलेंगे, पुराने वाले जल जाते तो कोई बात नहीं। तो गाइस, उसमें से कोई भी नोट जल जाता है तो आप किसी भी बैंक में, मतलब बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके आराम से जाके चेंज कर सकते हैं। हाँ, कोई चेंज नहीं करती है बैंक। तो गाइस, क्योंकि नोट जो होते हैं सीरियल नंबर होते हैं, उनकी रिप्रिंटिंग हो सकती है, रिजर्व बैंक इशू कर देती है, बट हर कोई बैंक वाला बचना चाहता है, तो उसके खिलाफ आप FIR करवा के। क्योंकि गाइस, अभी मैंने फेसबुक पे एक देखा, तो वहां पे एक औरत ने, मतलब अपने फल वल बेच के पैसे इकट्ठे कर रही होगी बच्चों की एजुकेशन के लिए, वो अलमारी में आग लग गई और उसमें 2-3 लाख रुपए पड़े थे, वो सब जल गए। तो गाइस, वहां पे मतलब वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शायद उसके पास तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वहां पे मतलब SBI या कोई सी भी बैंक, बस प्राइवेट बैंक को छोड़ के सरकारी बैंक आपके नोट बदल सकती है, सीरियल नंबर बच गए हों, किसी ना किसी साइड के बच गए होंगे, और जो नहीं बचे होंगे तो दोस्तों वहां तो मतलब थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, लेकिन जो पूरा लॉस होने से वो बच जाएगा। और आज की टेक न्यूज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं JETE, जो कि गाइस फाइनली मैं तो भूल भी गया था कि इसके सेट आने भी वाले हैं। तो BLAD V30 आया है इसका सेट, जो कि कह सकते हैं एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आया। जैसे कि गाइस मैं कुछ बता दूं आपको, तो दोस्तों बात करें इसके मेन फंक्शन के बारे में, तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है आपको, और मेन कैमरा मिल जाता है आपको 48 मेगापिक्सल का। बट जो प्राइस सेगमेंट है, थोड़ा बहुत सही लगा मुझे, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ही दिख रहा है, क्योंकि आगे और पीछे कोई फिंगरप्रिंट नहीं दे रखे, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा। जो इसका प्राइस सेगमेंट है वो है 23,200 रुपये, और किस वेरिएंट के लिए, 4 GB RAM के साथ 128 GB। और बात करें दूसरा वेरियंट जो आता है 3 GB RAM के साथ 128 GB वाला, वो 19,000। मतलब प्राइस सेगमेंट सही रखा है, बस ये है कि क्या फीचर मिल रहे हैं। तो गाइस बात करें एंड्रॉयड आपको कौन सा मिल जाता है, तो 11 एंड मतलब लेटेस्ट वर्जन ही मिल जाता है एंड्रॉइड का, और 6.67 की डिस्प्ले मिल जाती है, और 1080 का आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब ये है। और जो प्रोसेसर है वो मिलता है यूनिसॉक्ट T6180 का, मतलब ऑक्टा कोर मिल जाता है इसका अपना ही है। और मतलब आपको रैम और प्राइस मैंने बता ही दिया, तो इस प्राइस सेगमेंट में सही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और प्रोसेसर पे थोड़ा सा डाउट रख सकते हैं। तो गाइस फाइनली एप्पल की तरफ से भी एक अच्छी न्यूज आई है, तो वहां पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि मतलब iPhone 13 मतलब 13 आने वाला है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स लीक हुए हैं। जैसे कि आप देखते होंगे एप्पल वॉच में हमेशा ऑन रहती है और मोमेंट के साथ भी ऑन हो जाती है, तो वही फंक्शनैलिटी अब आपके, मतलब एक शायद ये होगा कि बीच का कॉर्नर जो है ना डिस्प्ले, वो ब्लैक एंड व्हाइट रखेंगे, या मतलब मल्टीपल डिस्प्ले रखने की कोशिश करेंगे, जिससे बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर जो डिस्प्ले वो 24 आवर्स ऑन रहेगी। तो गाइस अच्छा फीचर है, लेकिन कलर्ड में ना रहे, ब्लैक एंड व्हाइट में रहे तो ज्यादा बेटर है। उधर का ऐसे होते नहीं है कि आपने देखा होंगे ब्लैक एंड व्हाइट घड़ियां जो होती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा बेटर लगेगा। और गाइस बात करें आप मतलब TWS के ट्रूली वायरलेस एयरबड्स लेने के मूड में है, तो यार मतलब प्राइस सेगमेंट बहुत ऊपर चला जाता है। ये मैंने खुद 10,000 रुपये के लिए थे सैमसंग के, तो आप मतलब अपना शौक भी पूरा कर सकते हो। साउंड क्वालिटी बात करूँ बोल्ट की, अच्छी रहती है, कोई ऐसे फंक्शनैलिटी की बात नहीं है, और 32 आवर्स का बैटरी बैकअप भी दे रहा है। लेकिन गाइस प्राइस सेगमेंट पे सबसे ज्यादा एक डाउट आता है यार, प्राइस सेगमेंट तो 1299 रुपये, मतलब 1300 रुपये में आपको मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लुक वाइज बात करूँ तो कहीं ना कहीं एप्पल की कॉपी है, हल्के से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लोगों को पता ना चले, और पीछे टच मूवमेंट भी है, मतलब आपको 1200 या 1300 की रेंज में बोर्ड जैसी कंपनी दे देती है, तो गाइस मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी और या ओप्पो वीवो में जाने की जरूरत है ट्रायल के लिए, और बेस्ट है। उसके बाद आप डायरेक्टली एप्पल भी खरीदे तो डजंट मैटर, लेकिन आप कनेक्टिविटी और बात करूं, मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में कोई ज्यादा बड़े इशू होंगे, एयर टाइट है, आपको बहुत अच्छी साउंड मिलेगी। तो गाइस एक न्यू कंसोल आपके सामने है, वॉल्व स्टैम डेक पोर्टेबल कंसोल, जो कि गाइस कह सकते हैं कि गेमिंग को अलग लेवल पे जो पहुंचाया वो इन्हीं ने पहुंचाया, बट सोनी के जो आए थे गेमिंग आईपोर्ट आए, फिर मतलब मैं आईपोर्ट के जमाने का बंदा हूँ आपको बताऊं तो, एक्चुअली कि फर्स्ट मेरे पास जो गेम कंसोल आया था वो सोनी का मतलब आईपोर्ट था, आईपोर्ट ही बोलते थे हम, पता नहीं उसका एक्चुअल नाम क्या था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, जिसपे मतलब पूरी डिस्प्ले रहती थी, साइड में बटन से खेलते रहते थे गेम, और वो शायद जावा वाले गेम चलते थे शायद, मुझे कंफर्मली याद नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूँ 2010 की 2011 की कर रहा हूँ, उस पर दबा के खेलते थे गेम। बट गाइज ये पूरी तरीके से मॉडिफाई है, पूरे हैंडल है, साइड में बटन है, मतलब आप मल्टीपल थिंक एक साथ यूज कर पाते हैं, और इसमें कौन कौन से मतलब सभी गेम चल जाएंगे क्योंकि एंड्रॉइड 20 होगा।
एक बहुत ही अच्छी न्यूज मिली कि पोको M3, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने कम प्राइस में मिलेगा। तो गाइज मैं पहले आपसे प्राइस डिस्कस करूंगा, फीचर भी बताऊंगा। जैसे कि बात करें, दो वेरिएंट में मिलेगा, 6 GB रैम के साथ 64 GB रोम, जो कि मात्र 11,500 रुपए का वेरियंट है। एक्चुअल प्राइस है 11,499, और 6 GB रैम के साथ 128 GB मात्र 12,499 रुपए। गाइज मतलब अनबिलीवेबल। और प्रोसेसर की बात करें तो पोको M3 आपको स्नैपड्रैगन 662 मतलब 662 के साथ मिलता है, और दोनों वेरिएंट बस रैम का फर्क है। और स्क्रीन साइज की बात करें, 6.5 इंच की फुल डिस्प्ले मिल जाती है। और बट इसमें मुझे एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि इसमें बताया भी नहीं है फिंगरप्रिंट के बारे में, तो गाइस फिंगरप्रिंट शायद बैक साइड ही होगा या लेफ्ट साइड होगा, बाकी स्क्रीन पर मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। और गाइस बात करें इसमें क्या क्या मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का फ्रंट मतलब रियर कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का ब्लरिंग मिल जाता है, और फ्रंट कैमरे की बात 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, मतलब सभी कुछ मिल जाता है। MIUI 12 आपको अपडेटेड मिलेगा, 4G सेट होगा। लेकिन गाइस मतलब उन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा इस सेट को, जो कि अभी आने वाले हैं या कोई हल्के बजट में 10-12 हजार रुपए के बजट में देख रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा है क्योंकि 80 वाट फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो गाइस एक फाइनली अच्छा फीचर टेलीग्राम ने पहले लॉन्च कर दिया, व्हाट्सएप अभी तक अपना अपडेटिंग में चल रहा है, क्योंकि गाइस मैंने अपनी प्रीवियस मतलब टेक न्यूज में भी बताया था। आपने नहीं देखते तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर लेके आता रहता हूं मैं टेक न्यूज और इन्फॉर्म करता रहता हूं आपको। तो गाइस टेलीग्राम क्लाउड चैट लिया है, फाउंड कर लिया उसने, और कैसे अनदर मतलब मल्टीपल डिवाइसों पे यूज कर सकते हैं। तो गाइस वही ही एक आखिरी ऑप्शन है आपको, मतलब व्हाट्सएप मोबाइल से हटा के किसी और डिवाइस पे चलानी है, और इत्तेफाक है कि ऐसा हो कि मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आए या मोबाइल पे कोई मतलब ही ना हो, जैसे कि आप कोई व्हाट्सएप अपने अनदर डिवाइस पे यूज करते हैं, मोबाइल का नेट डिस्कनेक्ट हो जाए किसी भी वजह से, तुरंत ही व्हाट्सएप बंद हो जाती है। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं अब दो परेशानी आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा व्हाट्सएप जो लेती है वो ड्राइव का मतलब गूगल ड्राइव का बैकअप लेती है। अब यह अपना ड्राइव का बैकअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप एक्सेस कर पाएंगे मल्टीपल अकाउंट, क्योंकि गूगल ऐसी परमिशन नहीं देगा कि आप किसी की भी ड्राइव यूज करके उसका वहां से डेटा चुरा के आप किसी और क्लाउड मतलब यूज कर लें किसी भी जगह पे। तो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लाखों करोड़ों खरबों रुपए क्लाउडिंग सिस्टम में खर्च करना, या किसी के क्लाउड उधार लेके फिर यूजर्स को डेटा देना, शायद उसके प्राइस आपके लग सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऐसा सिस्टम लेके आती है, क्योंकि टेलीग्राम बहुत अच्छी तरीके से इनकम करता है ऐड के द्वारा, बहुत सारे मल्टीपल पे हैं, मगर व्हाट्सएप की बात करूं तो इतने ज्यादा नहीं है। तो गाइस आगे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन चैनल के साथ और वीडियो के साथ बने रहिए। गाइस आज की टेक न्यूज यहीं खत्म होती है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।